ही आप लोगों से गप्पे लगाएंगे। अच्छा, आप में से कितने हैं जो हार करके आए हैं? सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं। आप देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके गए हैं, और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है। और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आग्रह से कहूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके कहा जरा हाथ ऊपर करो, लेकिन अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो मेरी बात को समझते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन्होंने नम्रता के कारण किया है, विवेक के कारण किया है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीछे रह गए हैं, हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं। तो मेरी बात आपको मंजूर है? ऐसे नहीं जोर से बताइए, खिलाड़ी है आप तो। अच्छा, मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भैया, जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मैदान के सिवाय क्या क्या किया वो बताइए। दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी, बहुत कुछ जाना होगा, आपको लगा होगा यार हमारे यहां भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूं आप लोगों से। पेरिस ओलंपिक्स रे भारतर प्रतिनिधित्व करथिबा समस्त खिलाड़ी जने जने चंपियन बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति। प्रधानमंत्री नुआदिल्ली स्थित निज बासभवन रे ओलंपिक्स रे भाग नेथिबा खिलाड़ी मानंकु भेटी तमानंकर अनुभूति सुनिबा सहित भविष्यत रे देश पई आहुरी गौरव आणिबा पई शुभकामना जणाइथिले। भारत सरकार क्रीड़ा को समर्थन जारी रखिछन्ति एवं एक उन्नतमानर क्रीड़ा भित्तिभूमि निर्माण को सुनिश्चित करिबा सरकारंक प्राथमिकता बोली प्रधानमंत्री एहि अवसर रे कहिथिले। पराजयरु शिक्षा नै विजय पथरे दृढ़ संकल्प सह अग्रसर हेबाकु ओलंपिक्स खेलाड़ी को से परामर्श दैछन्ते। पेरिस से आप सब वापिस आए हैं, आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहाँ हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं, और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सच पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में
ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी हैं जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, सपने को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है, अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने, और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है, और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है। दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रांड टूर से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की, और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी, और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना
ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूँ मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। हमारे खिलाड़ियों को सुविधाओं और संसाधनों की कमी न पड़े, ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए, इसके लिए बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है। मुझे संतोष है कि ओलंपिक से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपोजर मिला है। इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स, डाइट, उपकरण और कोचिंग, सब पर इतनी बारीकी से ध्यान, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का प्रयास, इस तरह की सुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था। खिलाड़ी अपने नसीब पर मेहनत करता था, देश के लिए कुछ करके आता था, लेकिन अब एक पूरी इकोसिस्टम बनी है। ये केवल स्पोर्ट्स में देश की नीतियों का बदलाव है, इतना ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक भी है जो देश अब अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों, आप सब देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं आप में से हर किसी के बारे में देश को, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूं, विशेषकर हमारी बेटियां। पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही ओलंपिक में भारत की जीत का श्री गणेश किया है। मनु को जिस तरह पिछली बार तकनीकी कारणों से निराश होना पड़ा था, फिर उन्होंने जो वापसी की, अंकिता ने जिस तरह सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खींचा है। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी रहे, खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जिस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है, स्वप्निल ने कठिनाइयों को पार कर जिस तरह मेडल जीता है, हॉकी में हमारे सरपंच साहब, उनकी टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, पीआर श्रीजेश ने यह बता दिया कि द वॉल क्यों है, जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका, उस सब ने एक ही संकल्प दोहराया, ये सिलसिला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा। मैं मानता हूं इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, हमारा भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने आज भी वहां भी लाल किले से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे एथलीट्स जो पिछले ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वहां बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, ओलंपिक की प्लानिंग से लेकर की वहां की व्यवस्थाओं तक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक आपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस, हमने इसको लिख कर रखना चाहिए, वो सरकार को साझा करना चाहिए, ताकि हमें 2036 की तैयारी में ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें खिलाड़ी देख करके आता है, उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी। तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी हैं, आप सबको मेरी मदद करनी है, ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके दिखाएं।
मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इससे आइडियाज भी, जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है, वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते जी। और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है, आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व तो है। और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं बातें, उनको प्रेरित करें। खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंटरेक्शन सेशन आयोजित करवा सकती हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ, तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। मेरे सामने शायद बोलते नहीं हैं, लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग। साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं, तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूँ। और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे, उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था, और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है। आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहा है। मैं आप सबसे कहूँगा, आप भी उससे जुड़े, अपनी माँ को लेकर के एक पेड़ लगाइए। पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए। अगर माँ नहीं है तो माँ की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए। आप में से ज़्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। आपने पेरिस में भी देखा है, और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया था। आप भी अपने गांव जाए तो वहाँ के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए। और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। फिटनेस की तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली है। इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए आप सब अचीवर हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई अचीव नहीं किया है। और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैडम जी मजा मा अहमदाबाद जी अभी ना सर हवे जी हवे जवानी जो हाँ हाँ बिल्कुल सबसे बहुत छोटी एथलीट है हमारी 14 साल की पहली बार कंटिजेंट उस दिन मेरा परिचय हुआ था ड्रमस्टिक्स की जी वो काफी फेमस हुई है वाह जैसे हम आज सबके साथ बात करते हैं तो हम विटामिन सी रिच खिलाती हो सबको सबको रेकमेंड करते हैं क्या हाल है काशी का सचमुच में वो क्या है हाँ चलिए बाबा की कृपा बनी रहे